हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ अ अप्रॉक्सीमेटली चांसेस। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225, यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं प्रोसीजरल फॉर रेगुलर ट्रायल। रेगुलर ट्रायल के लिए वो कौन से स्टेप बाय स्टेप लिए जाते हैं, वो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 225 कहता है, ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ओपनिंग केस फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी प्रोसिक्यूशन होगा वो आप यहाँ से ओपनिंग केस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सबूत वगैरह नहीं मिलते तो उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। अगर सबूत मिल जाते तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे दिया जाएगा। और यहाँ पे एक्यूज पर्सन अगर सारे गुना एक्सेप्ट कर लेता है तो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी हो सकता है। और उसके बाद में डेट फॉर प्रोसिक्यूशन, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगाया जाता है। और फर्स्ट वन इज एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अगर हो जाता है उसके बाद में एक्विटल होता है, नहीं तो फिर एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। अगर एक्विटल नहीं किया जा सकता तो एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। और यहाँ पे आर्गूमेंट होता है, देन दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गूमेंट होता है, फाइनल आर्गूमेंट होता है, देन जजमेंट, देन प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कुछ होता है तो वो देखा जाता है। दिस इज द प्रोसेस फॉर द प्रोसीजर फॉर रेगुलर ट्रायल। थैंक यू।